विशेष जानकारी के तहत एक मंदिर में आगमन हुआ है, जो हमारे यहाँ आलम बदल मोहन बोलते हनुमान मंदिर, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, जो कि बुद्धेश्वर बाबा के सामने है और बहुत ही उन्हीं के आशीर्वाद होने के पाते मंदिर के बहुत दूर है। बाबा जगदेव द्वारा जो है उसका निर्माण कराया गया। अब आज बीजेपी शासन काल में राम मंदिर की बात हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, चारों तरफ जो है धर्म ध्वजा लहराई, लेकिन उसके बाद भी आज राजधानी के अंदर और इस मंदिर से जुड़े पूर्व के लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब से यहाँ सर श्री महाराज जी जगदो बाबा जी का शरीर पूरा हुआ 2013 बाबा जी ने मंदिर का निर्माण कराया था और साथ में कुछ मंदिर में रहने वाले और मंदिर के जरूरत हेतु कल्याण हेतु दैनिक दिनचर्याओं की जरूरत हेतु दुकानों का भी निर्माण कराया था, लेकिन बाबा जी के मृत्यु उपरांत इन दुकानदारों ने और यहाँ के व्यापारी वर्गों ने मंदिर का उत्पीड़न करते हुए महाराज जी का वो दबाया है और आज तक उनको एक भी किराया नहीं दिया, जिससे उनको जीविका में और मंदिर के रखरखाव में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो कि अशोभनीय है। इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और 2013 से अभी तक बाबा जी को व्यापारियों से लड़ने में नाना प्रकार के कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ये आप बीती जग बीती आज बाबा श्याम सुंदर दास जी को आपके सामने लेके आ रही हूँ, जो अपनी आप बीती आपको बताएंगे। तो ये अगला संवाद श्याम सुंदर जी, महाराज जी बताइए यहाँ पर यानी गाँव का जन्म कब हुआ और इसमें आपको कैसे दिक्कत आ रही, आपने क्या क्या कानूनी कार्रवाई करी? ये हम प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लेटर दिया हूँ, फिर नगर निगम में तो हमारा नाम करा है और उसके बाद में तो ये लोग हमको कई बार मार पीट चुके इसी किराया देने के लिए, और जगदेव दास का हत्या भी किया गया है इसी किराया दुकान के। हमारा एक लड़का 2017 से 15 अगस्त के दिन गायब हुआ है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये फोटो खैर लड़का का, और जहाँ जाता हूँ ये पारा थाना पैसा लेकर ये 30 आदमी एक बार आए 100-100 रुपया देकर ये पारा थाना हमारा सारा मामला धोकर पी जाते हैं। सर आपने अपनी शिकायत को थाने के ऊपर के स्तर के लोगों तक, खाली थाने ही पूरा प्रशासन शासन नहीं चलता है, क्या थाने के ऊपर लोगों तक गए अपनी शिकायत को लेकर? हाँ सर, शिकायत लेकर साहू मोहनलालगंज डीजी बलियाबाग जिला अधिकारी अनुराग यादव रहे तब से हम दौड़ी थे, कोई सुनवाई नहीं होता, न्याय की कोई सुनवाई नहीं है न्याय पर। यहाँ तो साधु संतों का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, क्या आपने उनके यहाँ भी गोहर लगा के या जनता दरबार में जाकर तीन बार गए देखे तो शिकायत करने का प्रयास किया? तीन बार गए हैं योगी के पास, रजिस्ट्री भी किया हम 3-4 बार, लेकिन यहाँ आता है पारा थाना में ये डबोड़ देते हैं सब, कहते हैं कि बरसे का चाय जाओ चुएगा और जो हम लिखेंगे वही माना जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों ने जानकारी तो हो ही गई होगी कि क्या सत्यता है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अब महाराज जी की आप नीति जो है हम जब को बताएंगे और ऊपर शासन तक इनकी बात पहुँचाएंगे, और आज की शासन काल में मैं मुख्यमंत्री माननीय अभी राज्य निवेदन करूँगा कि वो इस मामले पे विशेष संज्ञानता लेते हुए और इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु और बाबा जी के कल्याण हेतु यहाँ के व्यवसायिक व्यवस्था को खत्म करके इसको जो एक जो है धार्मिक व्यवस्था के रूप में इसको संचालित कराएंगे, क्योंकि यहाँ दुकानें ही विवाद का जड़ है,
अगर दुकानें नहीं रहेंगी तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की कोई दिशा ही नहीं। और आज की तारीख में इन दुकानों के चलते बाबा जी को चार का खतरा भी है, ये भी कोई बताना चाहते। अगर ये दुकान रहेगी तो ये हमारा भी मंडल जैसे जगदेव दास के किए हैं, हमारा लड़का गा के ये हमारा भी मंडल करवा सकते हैं, कह रहे हैं कि मंडल तुम्हारा करवा देंगे। ठीक बाबा जी, हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये स्थिति है मोहन रोड में स्थित आलमनगर श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर। हम आप बीती जगबीती से कैमरामैन संजय सिंह, संवाददाता रिपोर्ट रूपेश सक्सेना जी, विशेष धार्मिक रिपोर्ट।